जय हिंद इस वीडियो में हम बात करेंगे यू पी पी सी एल टी जी टू टेक्नीशियन का जो आपका एग्जाम होने वाला है तो उसमें कंप्यूटर का एक पोर्शन होता है आपका उसके पोर्सन्स के लाइन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे इससे पहले भी हमने दो वीडियो बना दिए हैं वो आपने नहीं देखी है तो यू पी पी सी एल टी जी टू कंप्यूटर वाली प्ले लिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो का पहला हमारा क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है सिस्टम यूनिट होता है उसके बाद इंटेल अस्सी छियासी मोटरोला अड़सठ सौ और अड़सठ सौ जीरो बीस आदि माइक्रो प्रोसेसर हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्क परिचालन प्रणाली डॉस का मुख्य कार्य हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करना है उसके बीच उसके बाद आपका अगला पॉइंट है अठारह सौ साठ चिप का प्रयोग परम छियासी सौ में के श्रेणी में के कंप्यूटर में किया जाता है यानी कि जो 1860 सौ साठ चिप है जो आपकी उसका प्रयोग किस में किया जाता है परम छियासी सौ श्रेणी के कंप्यूटर में किया जाता है उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन डी ई सी याद रखिए डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने मिनी कंप्यूटर का उत्पादन किया उसके बाद आपका आता है तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटर का सही क्रम डेटा का संकलन या निर्देशन या डाटा का संचयन डाटा संसाधन डाटा इन्फॉर्मेशन है तो तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटर का सही क्रम जो है वो आपका क्या है डेटा का संकलन या निर्देशन डेटा का संचयन डेटा का संसाधन और डेटा का इन्फॉर्मेशन है उसके बाद ई एन आई ए सी में अट्ठारह हज़ार वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है उस, उसके बाद आपका आता है कोबोल उच्च स्तरीय भाषा हिल अंग्रेजी भाषा के समान है यानी कि जो कोबोल उच्च स्तरीय भाषा है वो हिल अंग्रेजी भाषा के समान होती है उसके बाद आता है स्टोकॉर्ड प्रोमां पास्कल भाषा के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है उसके बाद आपका आता है इनपुट आउटपुट कंट्रोल कंप्यूटर की प्रथम इकाई है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्थाई इकाई को कंप्यूटर की भाषा में मेमोरी कहा जाता है उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जब प्रयोगिक यानी कि यूजर सी के साथ सीधे रूप में संपर्क करता है तो टाइम शेयरिंग कहलाता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपसे आप पूछा जा चुका है पिछले प्रीवियस ईयर में जब प्रयोगिक कंप यूज़र जैसे इंग्लिश में यूजर कहते हैं सीपीयू के साथ सीधे रूप से संपर्क करता है तो क्या कहलाता है टाइम शेयरिंग जो आपका ट्रिपल सी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आपसे अनुरोध हो वीडियो तो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें नेक्स्ट पॉइंट आता आपका, है आपका फाइल है रिकॉर्ड का संग्रह फाइल क्या होती है जो रिकॉर्ड्स होते हैं आपका उनका संग्रह होती है और नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़े आकार का कंप्यूटर जो जाना जाता है वो सुपर कंप्यूटर के रूप में है और आपकी प्रोग्रामिंग होती है वो सर्वाधिक कठिन होती है मशीन में जो मशीन में आपकी प्रोग्रामिंग होती है वो सबसे कठिन होती है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका कंप्यूटर निर्देशन में होता है ऑपरेशन कोड एवं एड्रेस यानी कि जो आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसमें क्या किस तरीके से देते हैं ऑपरेशन कोड से और एड्रेस से उसके बाद आता है डी बेस में एक्सेप्ट इनपुट दोनों कमांड द्वारा पर्सन किए जाते हैं उसके बाद आपका आता है इनपुट प्रयुक्त होती है जब पर्सन का उत्तर नंबर है इनपुट का प्रयोग तो कब करते हैं आप जब प्रश्न का उत्तर नंबर है उसके बाद किसी फाइल का नाम आधारित आठ अक्षरों का है जिसमें ब्लैक ब्लैंक एवं पंचुएशन सम्मिलित है पर आधारित होता है उसके बाद आपका आता है डी बेस में छः प्रकार के आंकड़े ये ब्रेकेट में डाटा हो सकते हैं यानी कि जो आंकड़ों को इंग्लिश में डाटा कहते हैं डी बेस में कितने प्रकार के हो सकते हैं छः प्रकार के उसमें आता है लोटस वन टू थ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं यानी कि लोटर वन या लोटर टू या लोटर थ्री आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं लोटस के स्क्रीन डिस्प्ले को कहा जाता है विंडो जो आपका जो लोटस का स्क्रीन डिस्प्ले है उसे विंडो कहा जाता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आर पी उच्च स्तरीय भाषा रिपोर्ट के लिए सर्व सबसे अधिक या सर्वाधिक उपयुक्त है उसके बाद आता है अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निर् निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है अनुवाद प्रोग्राम क्या होता है जो हाई लेवल भाषा को लो लेवल भाषा में अनुवाद करता है कंपाइलर कहलाता है ठीक है उसके बाद आपका आता है अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है असेंबलर कहलाता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बेसिक टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है यानी कि बेसिक टाइम सिस्टर के लिए सिस्टम के लिए व कंप्यूटर में प्रयोग हेतु सब सबसे उपयुक्त होता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बर्कशीट कमांड का प्रयोग सा, सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु होता है उसके बाद आता है डब्ल्यू आई कमांड का प्रयोग रॉ को इंसर्ट करने के लिए होता है तो तथा कॉलम को इंसर्ट करने के लिए होता है उसके बाद आता है आपका लोटस में एक साथ दो बिंदु को देखा जा सकता है उसके बाद आता है वर्कशीट में कंट्रोल पैनल का प्रदर्शित होता है और टॉप बॉर्डर के ऊपर उसके बाद आता है आपका फ्लॉपी डिस्क में होते हैं सतहत्तर ट्रैक्स एवं छब्बीस सेक्टर फ्लॉपी डिस्क में कितने होते हैं सतहत्तर ट्रैक्स और छब्बीस सेक्टर उसके बाद आता है फोर्थ भाषा मुक्त उपयोग ग्राफिक प्रोसेस कंट्रोल कस्टम हेतु होती है फोर्थ भाषा कौन सी होती है ग्राफिक के लिए फोर, प्रोसेस के लिए कंट्रोल के लिए कस्टम के लिए उसके बाद में होता है रिकॉर्ड है आंकड़ों का संग्रह संग्रह तो आंकड़ों आँक का आंकड़ों का संग्रह या डाटा का संग्रह क्या होता है रिकॉर्ड कहलाता है उसके बाद आता है कोबोल सर्वाधिक उपयोग है और कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए कोबोल किसके लिए अच्छी है कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू कमांड बांटती है दो विंडो के प्रदर्शन के लिए उसके बाद आता है डब्ल्यू टी है बक्स बर्कशीट टाइटल कमांड डब्लू टी जो होता है आपका वो क्या होता है बर्कशीट टाइटल कमांड उसके बाद सी पी यू है मेमोरी एल एल यू एंड कंट्रोल का संकलन इसके बाद कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है उसके बाद आता है आपका बर्ड स्टार में पृथ्वी लाइन पैंसठ अक्षर प्रदर्शित होते हैं और डेटाबेस मा, है माइक्रो कंप्यूटर के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डी बेस क्या कहलाता है आपका माइक्रो कंप्यूटर के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है उसके बाद आपका आता है प्रोलॉग पंचम सीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है प्रोलॉग कौन सी है जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनके लिए प्रोग्रामिंग भाषा है उसके बाद में ग्राफ के लिए जी कमांड प्रयुक्त होती है और एस माइक्रो कमांड दूसरी लोकेशन पर पहुंचने के लिए प्रयुक्त होती है वर्तमान समय में प्रचलित प्रमुख वैक्सीन नाशॉट क्लीन अस्टॉगेबल आदि हैं उसके बाद वैक्सीन द्वारा वायरस ऐसे हटाते हैं सरप्रृथों कंप्यूटर को स्कैन करके या ये पता लगाना चाहिए कि, कि कंप्यूटर में कौन सा वायरस है इसके पश्चात कंप्यूटर को एक राइट प्रोटेक्टिव डोस डिस्क द्वारा बूट करना चाहिए इसे इसके पश्चात वैक्सीन का प्रयोग करना चाहिए और नेक्स्ट पॉइंट है यदि हमारा कंप्यूटर अत्यंत अत्यंत धीमी गति से कार्य करने लगा है अथवा किसी डेटा फाइल को रीड नहीं कर पा रहा है या कोई भी एक्स या कॉम फाइल ठीक से नहीं कर पा रहा कर रही है तो ये समझ लेना चाहिए कि कंप्यूटर में वायरस है इसके पश्चात डॉस का का सी एच के डी एस के कमांड प्रयोग कर करना चाहिए यदि ये कमांड कुल मेमोरी कुल मेमोरी छः चालीस किलोबाइट से कम बताती है तो ये ये निश्चित है कि आप कंप्यूटर में बायरस है इसके पश्चात स्कैन यूटिलिटी का प्रयोग करके बायरस का नाम इत्यादि का पता लगाना चाहिए उसके बाद आता है आपका आस्की का संपूर्ण नाम क्या है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है आजकी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम यू पी पी के एग्जाम के अंदर तो इसका फुल फॉर्म क्या है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंप्यूटर द्वारा बनाने वाली आकृति लाइन या किसी स्पेशल कैरेक्टर को ग्राफिक कहते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक सेकेंड में एक करोड़वे हिस्से को नैनो सेकेंड कहते हैं एक सेकेंड के एक करोड़वे हिस्से को क्या कहते हैं हम नैनो सेकेंड कहते हैं उसके बाद पास भी टेक्ट पासवर्ड एक सॉफ़्टवेयर का सिक्योरिटी सिस्टम है इसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर का अवैध रूप से किया जा रहा प्रयोग रोक सकते हैं जब तक हम सॉफ्टवेयर द्वारा मांग जा रहा पासवर्ड इंटर नहीं करेंगे तब तक हम सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्तमान समय में कंप्यूटर को निर्देश देने में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता है इसमें साधारण अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर पर आधारित होती हैं बेसिक लैंग्वेज कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर दोनों का कार्य करती है और कोबोल लैंग्वेज कंपाइलर का कार्य करती है नेक्स्ट पॉइंट आपका बेसिक का संपूर्ण नाम क्या है वैक्सीनर ऑल पर्पस सिंबोलिक और इंट्रक्शन कोड उसके बाद ऑटो कमांड अपने आप ही लाइन नंबर उत्पन्न करती है और रैम कमांड का क्या रैम कमांड का प्रयोग प्रोग्राम को रीमार्क लिखने में किया जाता है उसके बाद लिस्ट कमांड के द्वारा प्रोग्राम को मॉनिटर पर देख सकते हैं इसके अतिरिक्त लिस्ट कमांड के रूप में इसका प्रयोग प्रोग्राम को प्रिंट करने में भी किया जाता है उसके बाद डिलीट कमांड का प्रयोग हम प्रोग्राम को किसी भी भाग को डिलीट कर सकते हैं उसके बाद आता है सेव कमांड के द्वारा हम लिखे गए प्रोग्राम को किसी फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं उसके बाद आता है आपका लोड कमांड के के द्वारा किसी प्रोग्राम को फाइल फाइल को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड कर सकते हैं उसके बाद आता है आपका एडिट कमांड एडिट कमांड के द्वारा हम प्रोग्राम की किसी भी लाइन को आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं उसके बाद आता है रन कमांड रन कमांड के द्वारा हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सिस्टम कमांड आता है सिस्टम कमांड के द्वारा हम बेसिक से डॉस प्रोमेटेड पर आते हैं उसके बाद आता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले यूनिक से आपका कैसा सिस्टम है तो ये मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसके द्वारा हमें एक कंप्यूटर अलग अलग टर्मिनल का प्रयोग करके कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं उसके बाद आता है कंप्यूटर के ऑन से लेकर आपका ए ए प्रमोट और सी प्रमोट तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है ब्यूटिंग कहलाती है उसके बाद आता है घरेलू कार्य हेतु कॉमन डोर एप्पल कंप्यूटर है उसके बाद आपकी आती है आई बी एम पी सी कंप्यूटर की कीबोर्ड में छ एट्टी थ्री कीज होती हैं एट्टी कीज कुंजी होती हैं आपकी उसके बाद आता है कंप्यूटर बेयर को दो भागों में विभाजित किया जाता है और नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्व में जिसे अंकीय कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है वर्तमान में उसका नाम माइक्रो कंप्यूटर है पहले जिसे अंकीय कंप्यूटर के रूप में जाना जाता था अब वर्तमान में उसे क्या कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर एक कंप्यूटर द्वारा एक ही साथ कई प्रोग्रामों को क्रियान्वित तो होना मल्टीपल प्रोग्रामिंग कहलाता है यानी कि एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर के द्वारा एक साथ कई प्रोग्रामों को चलाना क्या कहलाता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग कहलाता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद